ये इस वक्त हम एक बहन के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे रायनंद गांव कलीसिया का मेंबर है पास्टर सुरेश दीप के। उस बहन का नाम बाली है, दो बच्चों का माँ है और किसी बीमारी के कारण किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे तो शायद दवाई रिएक्शन किया है तो उनका पूरा शरीर काला हो गया और डॉक्टर्स उनके लिए कह रहे हैं कि कुछ इंजेक्शन लेना पड़ेगा जो एक एक इंजेक्शन 5,000 का है वो तुरंत लेना ऐसा कहा है। थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है। इस वक्त हम सब मिलकर उस बहन के लिए प्रार्थना करें। इसी वक्त यीशु के नाम से वो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु इस वक्त हम विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु आपके वचन से हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति को भी आपने क्षण भर में चंगा किया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं उस बहन के लिए जो इस वक्त हॉस्पिटल में है। उनकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपके सामर्थ उनके शरीर में प्रवाहित हो जाए। हम जब कलीसिया एक मन एक चित होकर आपसे प्रार्थना करते हैं, अति वेग से दौड़ने वाला वचन भेजकर आप उन्हें चंगा कीजिए। यीशु नासरी के नाम से वो पूर्ण रूप से चंगी हो जाए। आपकी सामर्थ्य प्रकट कीजिए, आश्चर्य कर्म प्रकट कर ताकि आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। हम विश्वास करते हैं आपने उन्हें स्पर्श किया, चंगा किया। धन्यवाद यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमेन। या आगे पढ़िएगा। तब यीशु यरूशलेम वासी कहने लगे 7:25 पद से, या तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वह कहाँ का है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरे भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए? या तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? ये अगला ग्रुप है। जो पहला ग्रुप जो बातें किया था वे बाहर से आए हुए लोग हैं, यरूशलेम का नहीं, जिसके कारण यीशु ने बोला तुम मुझे मार डालना चाहते हो, तो वे लोग बोला तुम में दुष्टात्मा है, तुमको कौन मार डालना चाह रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है यरूशलेम निवासी है, वहाँ का रहने वाले, उनको मालूम है यहूदी नेतृत्व उनको मार डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं ये तो कैसे खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं। इनको भी मालूम है यहूदी नेतृत्व उनको मार डालना चाह रहे और ये खुल्लम खुल्लम प्रचार कर रहे हैं, इनको कोई पकड़ भी नहीं रहे। अब कह रहे हैं क्या हमारे सरदारों ने भी मान लिया, मतलब यहूदी नेतृत्व भी मान लिया कि यही मसीहा है? शुरू में उन लोग विरोध किया तो भी अभी उन लोग क्या मान लिया ये मसीहा है, इसलिए उनको इनको वे लोग नहीं पकड़ रहे, कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको जिंदा रखा है और उनके विरोध में कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि ये खुल्लम खुल्लम प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वे अपना अविश्वास भी बता रहे हैं। 27 पद, इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई नहीं जानेगा कि वह कहाँ का है। इसको तो हम जानते हैं कहाँ का है, कहाँ का है यह नासरत का रहने वाला, उसका पिता कौन है, यूसुफ है, उसका माता मरियम है, उसका भाई लोग है,
हम इसको जानते हैं, लेकिन मसीहा जब आएगा कोई नहीं जानेगा ये कहां से आए हैं। तो ये कैसे मसीह हो सकता है? सरदार लोग इनको नहीं मान रहे हैं, नेता लोग इनको नहीं मान रहे हैं, इसलिए कि क्या उन लोग मसीहा के रूप में मान लिया है? तो उन लोग कैसे मान सकता है कि क्योंकि ये इसको ये कहां का है हमको मालूम, लेकिन मसीहा जब आएगा तो कोई नहीं जानेगा वो कहां का है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। जब यीशु के बारे में यह कहा कि तुम इसको हम जानते हैं, यीशु कहा, पुकार कर कहा, ऊंचे शब्द से कहा, तुम लोग कहते हो कि तुम लोग जानते हो कि मैं कहां का हूं, लेकिन मैं जहां का हूं वहां का नहीं है, मुझे और किसी ने भेजा है। कौन भेजा है? परमेश्वर, अर्थात स्वर्ग से आया हुआ रोटी, स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर की ओर से आया हुआ व्यक्ति मैं हूँ। वो बात तुम लोग नहीं जानता, तुम लोग इस पृथ्वी पर मैं जहाँ रह रहा हूँ वो जानते हैं, लेकिन मैं कहाँ से आया तुम लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं पिता की ओर से आया जिसने मुझे भेजा है, और उसको भी तुम लोग क्या नहीं करते हैं, जानता नहीं, अर्थात परमेश्वर को तुम लोग जानते नहीं हैं। 29वां पद, मैं उससे जानता हूं क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। तुम लोग उसको नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि उसी ने मुझे भेजा है। 30वां पद, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। जब यीशु ने ये बातें कहा, जिसको जिसने मुझे भेजा है उसको मैं जानता हूं, तुम लोग नहीं जानते, जब यीशु इस बात को समझाया तो वे समझ गया कि यीशु कह रहा था कि वो परमेश्वर की ओर से आया, स्वर्ग से ओर की स्वर्ग से आया है, वो परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर है। तब वे लोग उनको पकड़ना चाहा कि वो उनको मार डाले, क्योंकि यरूशलेम निवासी लोग है वे, उनको पकड़कर हो सकता नेताओं के हाथ में देखकर उनको मार, सरदारों के हाथ में देखकर उन्हें मार डालना चाहते, लेकिन लिखा है कोई उन पर हाथ ना डाला क्योंकि उनका समय नहीं आया। ये पर्व में आने से पहले यीशु मसीह बोला था मेरा समय नहीं आया, जब उनके भाई लोग बोला झोपड़ी का पर्व चल रहा है जाकर वहाँ आश्चर्य कर्म दिखाओ चेले लोग मिल जाएगा और तेरे चेले लोग विश्वास भी करेगा, तभी यीशु बोला मेरा समय नहीं आया। वह समय ने जो आया वो कौन सा था? यही था। यहां भी वही बात कर रहा है, वे लोग यीशु मसीह को पकड़ना चाहा लेकिन पकड़ नहीं सका, उन पर हाथ नहीं डाला, क्यों? क्योंकि यीशु का समय नहीं आया था। जब तक परमेश्वर की ओर से निर्धारित समय नहीं आता तब तक इनके जीवन में किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकता, इसलिए वो उनको पकड़ नहीं सका। 31 पद, फिर भी भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए। भीड़ में अनेक लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्यों विश्वास किया? क्योंकि बहुत सारे आश्चर्य कर्म यीशु उस दिन भी किया था, उस समय भी किया था, इससे पहले भी यीशु आश्चर्य कर्म किया है, यद्यपि वरना उसका वर्णन अभी अभी जो किया उसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन यीशु मसीह वहाँ आश्चर्य कर्म किया, जिसके कारण ये भीड़ कह रहा है जब मसीहा आएंगे इससे ज़्यादा क्या आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि यीशु ने लंगड़ों को चलाया है, लकवाग्रस्त व्यक्ति को उठाया है, और इसमें जो लिखी गई अनेक आश्चर्य कर्म यीशु उनके सामने किया है। तब वे लोगों ने कहा, यही मसीहा है, इन पर विश्वास करें, जब मसीहा दूसरा कोई आए तो इससे अधिक कैसे कर सकता है, इतना ज़्यादा आश्चर्य कर्म यह करता है, तो यही मसीहा है, और उन पर विश्वास किया है। पढ़िए 32 पद से, फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा,
तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहां जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं, यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते? फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। यीशु मसीह, अब देखिए ये कौन सा पर्व है? झोपड़ियों का पर्व चल रहा है, भयंकर भीड़ है, पूरा शहर एकदम दीपों से सजाया हुआ है। इस भीड़ में यीशु मसीह आधा दिन, 3.5 दिन के बाद आया, और यीशु मसीह प्रचार करने लगा, सुसमाचार सुनाने लगा, आश्चर्य कर्म करने लगा। अब याजकों ने सिपाहियों को भेजा ताकि इसको क्या करें, अरेस्ट करके ले आए। ऑलरेडी से पहले वहाँ के रहने वाले लोग इनको मार डालने के लिए पकड़ना चाहा, लेकिन समय नहीं हुआ, इसलिए नहीं हो पाया। अब सिपाहियों को भेजा इनको पकड़ कर लाए। ये बात यीशु मसीह को जाना, तब यीशु कह रहा है। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊँगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग मुझे अरेस्ट करने के लिए भेज रहे होंगे, यीशु मसीह ये जानकर कह सिपाहियों को भेजा है, कह रहा है मैं कुछ समय और तुम्हारे पास रहूँगा, उसके बाद मुझे भेजने वाले के पास वापस चले जाएगा। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरने से 6 महीने के पहले की बात है। ये झोपड़ी के पर्व के बाद 6 महीने के बाद जो फसह का पर्व हुई है उसमें यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं। अब 6 महीने के बाद जो यीशु मसीह के साथ होने वाला है, मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, उसके बाद जी उठकर पिता के पास जाएगा। इस बात को याद रख कर कह रहे हैं, एक प्रकार से ये कह रहे हैं, तुम लोग सिपाहियों को भेजे होंगे मुझे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन समय नहीं आया, और कुछ समय रहूंगा मैं तुम्हारे बीच में, उसके बाद जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? जिसने मुझे भेजा है उनके पास, अर्थात कहाँ? पिता के पास। और तुम लोग मुझे ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा? वो तो गया कहाँ है? हेलो, वो तो जाएगा कहाँ? स्वर्ग में। पृथ्वी पर रहने वाला प्रधान याजक को कोई भी हो ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। और कहा था तुम लोग वहां आ भी नहीं सकते। कहां? जहां मैं जा रहा हूं। कहां? जिसने मुझे भेजा, अर्थात पिता ने स्वर्ग से भेजा, वही स्वर्ग में मैं वापस जाऊंगा कुछ समय के बाद, करीब 6 महीने के बाद। यदि वे समय नहीं बताया तो वे 6 महीने आगे बचा है, इसलिए यीशु कह रहे हैं कुछ समय के बाद तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन नहीं पाओगे, और दूसरा जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम आ भी नहीं सकते। 35वां पद। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहा जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे, क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो उसने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते? अब यीशु ने बोला, मैं कुछ समय तुम्हारे पास रहूंगा, उसके बाद जिसने मुझे भेजा उनके पास चले जाएंगे। तुम लोग ढूंढेगा लेकिन नहीं मिलेगा, उतना ही नहीं, जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम आ भी नहीं सकते। तब ये लोग कह रहे हैं, यह कहां जाने वाला है? ये क्या अन्य जातियों में तितर बितर जो रहते उनके पास जाएगा, या अन्य जाति यूनानियों को सुसमाचार सुनाने जाएगा? हेलो, तो यीशु मसीह अन्य जाति या यूनानियों के बीच में गया तो इन लोग पीछे नहीं जा सकता है क्या? हेलो, यीशु मसीह क्या बोला? तुम लोग मुझे ढूंढेगा नहीं मिलेगा, और मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम लोग आ भी नहीं सकते। तो वे लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या अन्य जातियों के बीच में जा रहे हैं क्या, और यूनानियों के बीच में तितर बितर होकर रहने वालों के बीच में जा रहे हैं, या यूनानियों को भी उपदेश देने जा रहे हैं?
तो इस लोग क्या यूनानियों के बीच में नहीं जा सकता है क्या? नहीं जाता। ये कौन है? यरूशलेम में रहने वाले यहूदी है। वे कभी अन्य जाति का घर नहीं जाता और अन्य जातियों का जगह भी नहीं जाता। पतरस भी अन्य जातियों के घर में कभी नहीं गया था। कब गया था? जब परमेश्वर विशेष दर्शन दिया तब कहाँ गया? कोरनेलियुस के घर में गया वो, उससे पहले पतरस नहीं गया। रूढ़ीवादी यहूदी कभी एक अन्य जाति से संपर्क नहीं रखता। इसलिए यह कह रहे हैं जहाँ वो जा रहे हैं हम नहीं जा सकते। ये यूनानियों के पास जाएगा तो हम तो जा नहीं सकते, को तो हम जाएगा नहीं। और दूसरा, यूनानियों के बीच में रहने वाले यहूदी जो तितर बितर रहते हैं उनको सुनाने जा रहे हैं, या हो सकता ही है यूनानियों को भी उपदेश देने जाएंगे। ऐसा है तो हम उनके पीछे नहीं जा सकता। इसलिए वो कार्य है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। उस उद्देश्य से वेले ने कहा कि यीशु जहाँ जा रहे हैं वहाँ वे नहीं आ सकते। अब पढ़िए सही दिशा से। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। या पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मैंने कहा झोपड़ियों का पर्व की विशेषता, इसमें शीलोह कुंड से सोने का बर्तन में पानी लेकर वेदी में डालता है। वो इसराइलियों के लिए परमेश्वर चट्टान से पानी जो पिलाए उसको याद दिलाने के लिए है, और उनके लिए आग का खंबा से जो रोशनी दिया था वो दिलाने के लिए दिया जलाते थे, और ये पानी जो उनको पिलाया उसको याद दिलाने के लिए शीलोह कुंड में जाकर सोने का बर्तन में पानी लाकर ये वेदी पर डालता था। यह अंतिम दिन, पर्व का अंतिम दिन, मुख्य दिन, उस मुख्य दिन का काम भी ज़्यादा है। ये याजक लोग 7 बार वो वेदी पर चक्कर लगाएगा, उसके बाद ये पानी डालेगा। जब वो पानी डालेंगे तो वेदी से पानी ऐसा बहेगा। आप देखिए, संदर्भ देखिए, वेदी से पानी बहते हुए आ रहे हैं, शीलोह कुंड से लाकर डाली गई पानी। उस वक्त यीशु खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहते हैं, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगा। यीशु मसीह कह रहा है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। और पिएगा तो क्या होगा? पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा वैसा उनमें से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगा। हेस्केल नबी की पुस्तक 37 अध्याय में जो बातें लिखा है, जो परमेश्वर के मंदिर में से निकलने वाली नदी, उसके बारे में यीशु यहाँ कह रहे थे, उस बात को कोट करके कह रहा था, यदि कोई प्यासा हो। देखिए, जब ये वेदी में पानी डाला गया, वेदी से पानी निकल रहे हैं, ये कौन सी बात को दर्शा रहे हैं? हेलो, इसराइलियों के लिए मरुस्थल में चट्टान से पानी पिलाने की बातें।
प्यास से परेशान इसराइली जब कुड़कुड़ाया तब उनका प्यास दूर करने के लिए परमेश्वर के द्वारा किया गया प्रबंध था चट्टान में से पानी। उन बातों को याद दिलाने के लिए ये वेदी पर पानी डाले गए हैं और वो पानी बह रहा है। यीशु मसीह खड़े होकर कह रहे हैं यदि कोई प्यासा हो, बाप दादा लोग जब प्यासा थे तब उनके लिए स्वर्ग का परमेश्वर जंगल में चट्टान से पानी पिलाया है, तो मैं यहां हूं, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए। पिएगा तो क्या होगा, पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा वैसा उनमें से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगा। इसराइली लोग यात्रा में जब जंगल में पानी नहीं मिला तो परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाया, मूसा को भी गुस्सा आया, परमेश्वर ने बोला चट्टान से कह दे, वो गुस्से में मारा, उसमें से क्या निकला, पानी तो निकला है, वे लो पिया भी है, लेकिन परमेश्वर क्रोधित हो गया। क्यों, मूसा को बोला क्या है कहने के लिए, इसने क्या कर दिया है, मारा है। क्यों मारा, ऑलरेडी ये चट्टान पाला से मार चुका है, एक बार पानी मिल चुका है, दूसरा कहीं बोल के तो उसको दो बार मारा है, तो इतना ये छोटा सा गलती के लिए परमेश्वर मूसा से बोला तू कनान देश में नहीं जाएगा। हमारे नज़र में इतना छोटा गलती, इतने उसके लिए इतना बड़ा सजा, हाँ उसका कारण है यह चट्टान, कुछ चट्टान ऐसा साधारण चट्टान नहीं, यह प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था। मनुष्य जाति जो आत्मा से प्यासा है उसकी प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उसका पुत्र आएगा, वह क्रूस पर मरेगा, कितना बार, एक ही बार। मूसा क्या किया, गुस्से में मारा दो बार, यही था गलती। वह यीशु यहां खड़े होकर कह रहा है, वह जंगल में वो जो चट्टान में से पानी निकला वो पानी इसराइलियों की प्यास को बुझाया है, तो यहां मैं हूं परमेश्वर की ओर से आया हुआ, मैं जो सोता मुझ में से जो पानी है, लिखा है जो कोई प्यासा। जंगल में जो पानी चट्टान में से निकाला वह केवल इसराइलियों के लिए था, लेकिन झोपड़ी का पर्व में उन बातों को स्मरण दिलाने वाली बातों को स्मरण करके यीशु ऊंचे शब्द से कहते हैं जो कोई प्यासा हो, यहूदी हो अन्य जाति हो, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए और उनमें से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगा। ये बातें ऑलरेडी यीशु ने कह चुका है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों में से होने वाली उस जल की नदियां। ये कौन सा है, एक प्रकार से ये परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा था। 29वां पद, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यीशु ने जो बोला जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए और उनमें से जीवन की जल की नदियां निकलेंगे। आगे यूहन्ना उसकी व्याख्या कर रहा है, ये जो जीवन की जल की नदियां या यो जीवन का जल जो पीने के लिए दी जा रही है वो कौन सा था, पवित्र आत्मा था। कौन सा, यीशु मसीह महिमा में प्रवेश करने के बाद उन पर विश्वास करने वालों को दी जाने वाली पवित्र आत्मा के बारे में, अर्थात पेंतेकोस्त का दिन में परमेश्वर के द्वारा भेजी गई पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह झोपड़ी के पर्व में खड़े होकर कहता है। अर्थात यीशु ने बोला क्या है, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए और उनमें से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा रूपी पानी पिलाने वाला कौन है,
प्रभु यीशु मसीह है, अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक जो आपको और मुझको देता है वो कौन? प्रभु यीशु। यीशु ने कहा, पिता से मांग कर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। इसका मतलब भेजा किसने? यीशु ने, अर्थात यीशु। उन पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह महिमा में प्रवेश करने के बाद उन पर विश्वास करने वालों पर उंडेलने वाले पवित्र आत्मा के बारे में कहा है, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में प्रवेश नहीं किया था। और यीशु महिमा में प्रवेश करने के बाद दी जाने वाली पवित्र आत्मा के बारे में था जो यीशु यहां कहा था। 40वां पद, तब भीड़ में से किसी ने यह बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। दूसरे ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था। जब यीशु इन बातों को कहा, भीड़ में से बहुत सारे लोगों ने कहा, ये वह भविष्यद्वक्ता है। कौन सा? यह वो भविष्यद्वक्ता। कौन है वो भविष्यद्वक्ता? हेलो, कौन सा? कहीं लिखा है क्या यो नाम है? पहला अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर यरूशलेम से भेजे गए लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, तू मसीह है क्या? नहीं है। एलिया है क्या? नहीं है। और क्या बोलता है? तू वो भविष्यद्वक्ता। कौन है वो भविष्यद्वक्ता? मूसा जो 18वां अध्याय व्यवस्था में 18 अध्याय में मूसा 18वां अध्याय का 15वां पद में मूसा ने बोला, मेरे समान एक नबी को परमेश्वर तुम्हारे बीच में से खड़ा करेंगे, उन पर विश्वास करना, वो भविष्यद्वक्ता है क्या? तो यहां कह रहा है ये वो भविष्यद्वक्ता है। कुछ लोगों ने कहा, तो कुछ लोगों ने कहा वो भविष्यद्वक्ता नहीं, ये सच में कौन है? मसीह है। तो कुछ ने बोला, क्यों? यह कैसा मसीह होगा? यह कैसे वो भविष्यद्वक्ता होगा? मसीहा कहां से आएंगे? दाऊद का वंश से, बेतलहम से आएगा। यह कहां का है? गलील का है। यह कहां से मसीहा हो सकता है? मैंने शुरू में ही बात बताया था, यीशु कहां से है? बेतलहम से है। जाकर किससे पूछना था? यीशु मसीह का माता या मरियम या पिता यूसुफ से पूछना था, इसका जन्म कहां हुआ था? यदि जांच पड़ताल करते तो पक्का जान पड़ता कि यह पक्का कहां का है? बेतलहम का है, क्योंकि जन्म कहां हुआ था? बेतलहम में हुआ था। यह परमेश्वर की योजना था, बेतलहम में जन्म होने के बाद मिस्र में जाना है, मिस्र में वापस आकर नासरत में रहना है। यह परमेश्वर के अनादिकाल की योजना है, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा भी है, लेकिन वे इस बात को समझ नहीं सका। इसलिए वे कहा कि दाऊद जहाँ रहता था उस नगर बेतलहम से आना चाहिए था, लेकिन ये गलील का है। 43वां पद, अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी, उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। जब ये बातें हुई है उनमें फूट पड़ गई। क्या फूट है? कुछ लोग बोला मसीह है, कुछ लोग बोला वो भविष्यद्वक्ता है, कुछ लोग बोला यह नहीं है, यह तो नासरी है, गलील का रहने वाला है, यह कैसे मसीह हो सकता है? क्योंकि मसीहा कहाँ से आएगा? बेतलहम से आएंगे, इसलिए वो नहीं हो सकता है। जिसके कारण फूट पड़ गई, तो कुछ लोग उसको पकड़ना चाहा, किसे? मार डालने के लिए। लेकिन कोई उन पर क्या नहीं रखा है? हाथ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि उसका समय नहीं आया था। आगे बढ़िए। 43 पद से, तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए, उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। निकुदमिस ने जो पहले उसके पास आया था उनमें से एक था उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी
सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है। उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। हमने इसके पहले में देखा, ये प्रधान याजक लोग, सनदरी संघ के लोग सिपाहियों को यीशु मसीह को पकड़ने के लिए भेजा, उसका 32वां पद में पाया जाता है। फरीसियों ने लोगों को उनके विषय में ये बातें चुप चुप के करते सुना, और प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे, 32वां पद में लिखा है। और ये सिपाही लोग वापस प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आया, और उन्होंने उससे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए हो? सिपाहियों को भेजा काहे के लिए? हेलो, सिपाहियों को भेजा किस लिए? यीशु मसीह को पकड़ कर लाए। पूछा है, तुम लोग उसको पकड़ कर नहीं लाए क्या? 46वां पद, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। क्या बोला वे लोग? हम लोग उसको कैसे पकड़ेंगे? उसके समान कोई कभी बात नहीं किया। मैंने कहा था, यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए गया था, यीशु मसीह का शब्द, यीशु मसीह का वचन उन लोगों को क्या कर लिया है? अरेस्ट कर लिया है। इसलिए वे लोग उनको अरेस्ट नहीं कर पाया। वापस सिपाही लोग आया तो बोलते, उसके समान कोई बात नहीं किया है। फरीसियों ने उनसे कहा, उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते, श्रापित है। हेलो, प्रधान याजक लोग, नेता लोग, फरीसी लोग क्या बोल रहे हैं? तुम लोग भी भरमाए गए क्या? मतलब उनको अरेस्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम लोग उसका सुनकर उसका चेला हो गया। उसको अरेस्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन जाकर उनको सुन गया तो क्या हो गया? उसका चेला हो गया। अब पूछ रहे हैं, वचन नहीं जानता है, इसलिए क्या हो रहा है? भरमाए जा रहे हैं। तुम लोगों को वचन नहीं मालूम। अब वचन मान जानने वाले प्रधान लोग, फरीसी लोग, कोई उस पर विश्वास करता है क्या? देखो, परंतु ये लोग क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते हैं, श्रापित हैं। क्या कह रहे हैं? सिपाहियों को भेजा था पकड़ कर लाने के लिए, सिपाही लोग जाकर यीशु मसीह का वचन सुनकर उसका चेला बनकर वापस आया, तब ये लोग कह रहे हैं, तुम लोग कैसे लोग हैं? तुम लोग देखा कोई सरदार? सरदार मतलब यहूदियों का सरदार, गुरु लोग, कोई उस पर विश्वास किया क्या? कोई फरीसी उस पर विश्वास किया का विश्वास किया क्या? ये गुरु और फरीसी की विशेषता क्या है? वो लोग व्यवस्था जानते हैं, लेकिन ये लोग, उनको क्या नहीं मालूम? व्यवस्था नहीं मालूम, इसलिए उसके पीछे जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? जो कोई उसके पीछे गए हैं, वो कोई भी व्यवस्था नहीं जानते, वचन नहीं जानते, इसलिए पीछे जा रहे हैं। कोई सरदार या कोई प्रधान या कोई फरीसी जो वचन जानते हैं, उनके पीछे गया है क्या? नहीं गया है। तुम लोग जो गया है, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि तुम लोग क्या नहीं जानते हैं? व्यवस्था नहीं जानते हैं। 50वां पद, निकुदमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है, दोषी ठहराती है? हेलो, यह सनदरी संघ का मेंबर था, कौन? निकुदमुस। इसको कहाँ पाए जाते हैं? कौन सा अध्याय में? 3रा अध्याय में। यीशु मसीह एक फसह का पर्व में यरूशलेम में आकर जो आश्चर्य कर्म वाला किया था, उससे उसको थोड़ा संदेह हुआ कि यह मसीहा हो सकता है, इसलिए जिसी को कि कोई ना देखे, इसलिए रात को गया यीशु मसीह के पास, जाकर बोला, तू गुरु होकर परमेश्वर की ओर से आया है। यीशु बोला, तू ज़्यादा बात मत करो, स्वर्ग जाना है तो नया जन्म पाना है, बोला, और उसको समझाया, हवा का उदाहरण दिया और जंगल में उठाया गया सांप का उदाहरण दिया, ज्योति और अंधकार का उदाहरण दिया,
और निकदमुस तब से लेकर यीशु मसीह के पीछे पड़ा है। ये क्या क्या करता है, उतना ही नहीं वचन को भी देख कर रहा था। ये सनहदरी संघ का मेंबर है, 70 लोग जो न्यायालय उसका मेंबर है। जब यीशु मसीह के बारे में ये चेले लोग आकर, सिपाही लोग आकर बोला, वो जैसा बोलता कोई नहीं बोलता है, तब ये लोग उनके ऊपर चढ़ गया, बोला कोई सरदार या फरीसी उसके पीछे गए क्या? तुम लोग व्यवस्था नहीं जानते इसलिए उसके पास पीछे जाते हैं, तुम लोग सब श्रापित है। ये निकदमुस को थोड़ा बहुत यकीन हो चुका था यही कौन है, मसीहा है, इसलिए उठकर बोला तुम व्यवस्था की बातें करते हो, व्यवस्था में ऐसा कुछ है क्या, किसी को जाने बिना या न्याय करके जाने बिना उसके ऊपर दोष लगाते हो। इसका मतलब एक प्रकार से तीसरा अध्याय में ये निकदमुस रात के वक्त कोई ना देखे करके गया था, लेकिन अब कम से कम 3 साल हो गया यीशु मसीह कामों को वो देख रहा था, साथ ही साथ वचन को भी पढ़ रहा था। यह पक्का जान लिया है ये नासरत यीशु ही मसीहा है, इसलिए सन्नद्रिन संघ के सामने खड़े होकर यीशु के पक्ष में निकुदमुस ने बोला है, क्योंकि वो वचन सीखा इसलिए वो ने जान लिया यह कौन है, मसीहा है। उस वक्त रात को छुप कर गया था, लेकिन इस वक्त दिन के वक्त सन्नद्रिन संघ के सामने यह निकुदमुस यीशु के पक्ष में बोला है। इसलिए उसने कहा हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है, ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तू भी गलील का है क्या, मतलब बोला तू कोई कहीं कर गलील का रहने का वाला तो नहीं है, क्योंकि तू अपना गांव वाले को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हो। तो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में पढ़कर देखना, गलील से कहीं भविष्यद्वक्ता आएगा क्या, पुस्तक में पढ़कर देखो, गलील से कोई भविष्यद्वक्ता आने का नहीं है। भैया ये गलील से नहीं आया, ये तो आया कहाँ से है, बैतलहम से ही है, ये तुमको नहीं मालूम अलग बात है। अर्थात निकदमुस एक प्रकार से सन्नद्रिन संघ के सामने इस बात को प्रकट कर रहा था, उसको बुलाओ पूछताछ करो तब जानेगा कि मसीहा है या नहीं। निकदमुस ऐसा क्यों बोला, इसलिए बोला उद्देश्य यह था उसको बुलाए तो हो सकता है ये लोग जान लेगा कि यही कौन है, मसीहा है। उसके पक्ष में इसलिए बोला, लेकिन वे उनको डांट कर कहता है तू भी गलील का है क्या, उसका पक्ष देने के लिए अपना गांव वाला है करके उसको बढ़ा रहे क्या, तुम पवित्र शास्त्र में देखो गलील से कोई भविष्यद्वक्ता कहीं का आने का नहीं है। फिर अपना दिया, तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। कौन कौन, सन्नद्रिन संघ के लोग वह न्यायालय उस दिन समाप्त करके अपना अपना घर चले गए। या आगे 8वां अध्याय पढ़िए पहला पद से, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुक कर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे विषय पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुक कर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया
और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। या यीशु मसीह झोपड़ियों के पर्व में आए हैं और पर्व तो समाप्त हो गया, लेकिन यीशु मसीह वापस नहीं गया। यीशु मसीह क्यों वापस नहीं गया? क्योंकि अभी भी ये यरूशलेम में लोग भरा है, बाहर से आए हुए भीड़ अभी भी है। अभी भी लोग यरूशलेम के शहर में, यरूशलेम की रास्ते में पाए जाते हैं और मंदिर में भी पाए जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह गया नहीं और उनको वचन सिखाना चाहा। यीशु मसीह कार्य को करते जा रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भीड़ एक व्यभिचारिणी को यीशु के पास लाए, परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। झोपड़ी का पर्व समाप्त हो गया और यीशु मसीह रात को जैतून पहाड़ पर गया। उसके बाद वापस अगले दिन मंदिर में आया और उपदेश दे रहा था। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करो, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? फरीसी और शास्त्री ये सब जाकर के स्त्री को पकड़ के लाया जो व्यभिचार में पकड़ी है और लाकर बीच में खड़ा कर दिया, भयंकर भीड़ है, और यीशु से कहा, यह व्यभिचार में पकड़ी गई है और मूसा के व्यवस्था में लेकर ऐसे स्त्रियों को क्या करना चाहिए? पत्थरवा करके मार डालना चाहिए। अब तू बता इसका क्या करना चाहिए? अब यीशु मसीह के पास स्त्री को क्यों लाया? यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लाया है, यीशु मसीह को फंसाए। यीशु मसीह उसको हाँ बोले ना बोले दोनों में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। मान लो यीशु मसीह ने बोला इसको पत्थरवा नहीं करना है, तो व्यवस्था का विरोध ही है ये बात हो जाएगा, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है? इसको क्या करना चाहिए? पत्थरवा करना चाहिए। तो मान लो पत्थरवा करें बोले तो क्या होगा? लोगों के नज़र में यीशु मसीह कौन है? वह पापियों का, श्रापित लोगों को बचाने वाला है, नहीं है क्या? उनके ऊपर लगाए गए आरोप भी वही है। वो पापियों के साथ क्या करता है? खाता पीता है। तो उनका काम पापियों को बचाने का है, लेकिन यीशु मसीह यदि कहें इसको व्यवस्था के अनुसार पत्थरवा करके मार डालें, तो इनकी जो छवि है, ये पापियों का, गरीब लोगों का साथी है, ये हट जाएगा। तो नुकसान दोनों प्रकार से किसको आएगा? यीशु मसीह को आएगा। इसलिए यीशु मसीह के पास इस स्त्री को लाया और पूछा इसको क्या करना चाहिए। अब ये जो लाए हैं वे लोग सही किया या गलती किया है? हेलो, ये जो लाया ना स्त्री को, सही किया या गलत किया है? सही नहीं है। ये लोग बोला व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में लिखा इसको क्या करो? क्या करो? पत्थरवा करो। वहीं गलत हो गया। मूसा के व्यवस्था में क्या लिखा मालूम? दोनों को लाओ, पत्थरवा करो। स्त्री अकेली पे विचार करती है क्या? हेलो, स्त्री के साथ कोई पुरुष है? वो कहाँ है? व्यवस्था में उसको भी मार डालना है, अर्थात व्यवस्था वरण की पुस्तक, उसमें लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 20 का 10 देखिए, 20 का 10। लेवी व्यवस्था 20 का 10। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। हेलो, व्यभिचारी और
वे भी जा रही नहीं, दोनों क्या करना चाहिए? ये लोग किसको लाया है? हेलो, किसको लाया? वे विचारिणी को लाया। वे विचारी कहाँ है? बोला क्या है? मूसा की व्यवस्था में लिखा है, बोला। अरे भैया लिखा क्या है? दोनों को लाओ। लेकिन लाया किसको? एक को। इसका मतलब पहले तुमसे क्या हो गया है? गलती हो गया। अब यीशु के पास आया, बोला अब बताओ इसको क्या करना चाहिए। अब यीशु ने क्या बोला मालूम? यीशु ने उनसे कहा, छठवां पद, उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारो। जब यीशु से पहले जब बोला ना, यीशु कुछ नहीं बोला। यीशु क्या कर रहा था? हेलो, वहाँ क्या लिखा है? हैं? हेलो, वह परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि में लिख रहा था, कुछ नहीं बोला। लेकिन ये लोग फिर से पूछता रहा, इसके साथ क्या करें, इसके साथ क्या करें। यीशु मसीह सीधा हो गया, बोला तुम में से जो पाप नहीं किया है वो पहले इसको क्या करो, पहले इसको क्या करो, पत्थर मारो। मूसा जब व्यवस्था दिया तो ये भी बताया था, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा कोई भी काम किया जो पत्थरवाह करके मार डालने योग्य है, वह व्यक्ति को लाएंगे तो उस व्यक्ति पर सबसे पहले जो पत्थर मारेगा वह व्यक्ति होना चाहिए जो उसका गवाह है, उसने वो किया ऐसा देखा या उनके ऊपर जो आरोप लगाए वही व्यक्ति सबसे पहले क्या करना चाहिए, पत्थर मारना चाहिए। अब यीशु ने क्या बोला? तुम में से जो पाप नहीं किया वो क्या करे? पहले मारे, उसके बाद बाकी सब क्या कर सकता है? बाकी सब मार सकते हैं। तो हुआ क्या है? तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारो। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी हो गई है। या यीशु मसीह के पास जब ये स्त्री को लाए, यीशु को बार बार पूछा इसके साथ क्या करना चाहिए, यीशु ने बोला जिसमें तुम में से जो निष्पाप है वो पहले इसको क्या करें, पत्थर मारे, उसके बाद क्या कर सकता है, बाकी सब मार सकते हैं। लेकिन लिखा क्या है? एक एक करके क्या हो गया, निकल गया। वहां एक शब्द लिखा है, बड़ों से लेकर छोटों तक। इसका मतलब पत्थर मारने के लिए कौन भी आया है, हैं? छोटे भी आया है क्या मारने के लिए? बड़ों के साथ छोटे लोग भी आया, छोटे लोग मतलब बच्चे भी आया होगा। लेकिन एक एक करके क्या हो गया, एक एक करके क्या हो गया, निकल गया। इसका मतलब जब यीशु ने बोला निष्पाप जो है, वो अपने आप को थोड़ा सोचा, अरे भैया मैं तो निष्पाप नहीं है, क्योंकि उसको अपना पाप क्या हुआ, याद आया। उसको अपना पाप याद आया, उसको मालूम हो गया मैं तो निष्पाप नहीं है, तो यहाँ से जाना भला है। एक एक व्यक्ति बड़ों से लेकर छोटे तक, मारने के लिए इतना जोश था, अभी मारूंगा करके और लेकर आया था। बड़ों के साथ कौन भी निकला था, छोटे भी निकले थे। लेकिन जब यीशु ने बोला जब निष्पाप है वो पहला एक ही व्यक्ति, बाकी को, इसका मतलब ये भीड़ में कोई एक व्यक्ति भी नहीं था जो निष्पाप है। एक व्यक्ति होता तो बाकी सब पापी होने के बाद भी क्या कर सकता था, नहीं है क्या?
मेरी बात को समझ रहेगा, एक व्यक्ति अगर निष्पाप होता वो मारेगा, पहला मारने के लिए बोला, बाकी उसके बाद सब कोई क्या कर सकता है। इसका मतलब मेरा विचार में लिखा नहीं है तो भी एक व्यक्ति अपने आप को स्वयं जांचा, बोला मैं तो निष्पाप नहीं हूँ, जाने से पहले बगल वाले से पूछा तू निष्पाप है क्या, क्यों पूछा, वो निष्पाप है जो तू पहले मारो उसके बाद मैं क्या करूँगा, पहले तू मारो उसके बाद मैं तो मारूंगा क्योंकि मैं तो निष्पाप नहीं है। तो उसने बोला भैया मैं भी तुम्हारे समान हूं, निष्पाप तो सबको आपस में पूछा, समझ में आया कोई निष्पाप नहीं है। दूसरा, यीशु मसीह झुककर उंगली से क्या कर रहा था, लिख रहा था, क्या लिख रहा था है? क्या लिख रहा था, क्या लिख रहा था मुझे नहीं मालूम क्योंकि वहां लिखा नहीं, लेकिन कुछ अभिप्राय यही है, यीशु मसीह वहां झुककर 10 आज्ञाएं लिख रहा था। हेलो, कौन सा 10 आज्ञाएं? यीशु मसीह एक एक आज्ञा लिख रहा है, सब देखकर खड़ा है। उसने पहला दूसरा ठीक है, वो आज्ञा ज्यादा उल्लंघन नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह आगे का लिखता गया लिखता गया, एक एक जन देखा, अरे मेरा बारे में लिख रहा है, मेरा पाप लिख रहा है, ये आज्ञा मैंने क्या किया था, उल्लंघन किया था, जैसा उसने देखा ये आज्ञा, तीसरा चौथा पांचवा लिखने लगा, वो क्या हो गया, घिसकने लगा। दूसरे एक यह है, कहना यह है, यीशु मसीह उन लोगों का पाप लिख रहा था, आज्ञा नहीं पाप लिख रहा था। कैसे मालूम, या कैसे मालूम, यिर्मयाह नबी की पुस्तक है उसका 17वां अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17वां अध्याय, उसका 13वां पद पढ़िए, 13वां पद, 17 का 13, यिर्मयाह 17 का 13। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझ से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। क्या लिखा है, जो तुझ से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। यीशु मसीह भूमि पर क्या कर रहा था, भूमि पर क्या कर रहा था, लिख रहा था। यिर्मयाह ने भी क्या बोला, किसका नाम लिखेंगे, हेलो किसका नाम लिखेंगे, जो भटक गया उनका नाम। हेलो, यिर्मयाह ने भी का वचन, ये जो 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 पत्थरबाजी करने के लिए आए हैं उनको मालूम है, जब यीशु ने एक एक का नाम लिखने लगा, ऊपर लिखा होगा भटक गए लोग, हेडिंग कौन सा है, भटके हुए लोग, उसका नीचे पहले जो खड़ा है उसका नाम लिख दिया, ऊपर देखा भटके हुए लोगों का नाम है, मेरा नाम है, नहीं समझा, तब उसको याद आया होगा यिर्मयाह ने भी का पुस्तक में लिखा है, भटके हुए लोगों का नाम कहाँ लिखेंगे, जमीन में लिखेंगे। अरे भैया ये लिखकर मेरा नाम लिख रहा है, इसका मतलब इसको मालूम है मैं तो भटका हुआ हूँ, तो वो क्या कर दिया, वहां से छोड़ कर चले गया। ऐसा अभिप्राय है कि यीशु मसीह कुछ लिख रहा था, जरूर कुछ लिखा है, क्या लिखा है नहीं मालूम, लेकिन अभिप्राय यही है कि वो लोगों का पाप या भटके वो उनका लिस्ट या नाम लिखे हैं, अन्यथा वो 10 आज्ञाएं लिखे होंगे। या यहोवा का नाम वहां कौन लिखा है, यहोवा का नाम मैंने कहा ना वहां लिखा, मैंने वहां क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, यीशु मसीह क्या लिखा है वो नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहना है कुछ लोगों का कि वहां यीशु मसीह 10 आज्ञाएं लिखा है। अब 10 आज्ञाएं यदि यीशु मसीह लिखे, यीशु मसीह यहोवा का नाम नहीं लिख सकता क्या, क्योंकि स्वयं वो कौन है, यहोवा है।
हैं? तो मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया बाइबल में नहीं लिखा, यीशु मसीह ने ऐसा क्या लिखा है? यह भी है यहोवा शब्द हटकर नहीं लिख सकता है क्या? हेलो, यहोवा शब्द हटकर भी क्या कर सकता है? लिख सकता है। तू किसी मूर्ति की आराधना ना करे, यदि पहला और दूसरा आज्ञाओं में यदि है उसमें वो लिख सकते हैं, बाकी सब में लिख सकते हैं, बाकी सब लिख तो सकते हैं। मैंने ये बात कर दिया, मान लो यदि दस आज्ञा लिख रहे हैं, पहला और दूसरा आज्ञा का उल्लंघन ये जो पत्थरवाह करने के लिए आए वो ले नहीं करता है, क्योंकि ये कौन है बोलिए ना, कौन है ये? यहूदी। यहूदी कभी कभी क्या नहीं करता है? यहूदी कभी क्या नहीं करता है? मूर्ति पूजा नहीं करते। तो एक प्रकार से जो पत्थरबाजी करने के लिए आए हैं, इनके लिए पहला दोनों आज्ञा यीशु मसीह क्या कर सकता है? छोड़ सकता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पाप इनको नहीं, ये पाप इन लोग नहीं करता, बाकी तो लिख सकता है नहीं है, क्योंकि इन सबका पाप बाकी सब पाप किया होगा। मेरी बात को समझ रहे होंगे? यदि यहोवा का नाम जो आ रहा है उसमें लिखा है तो मुझे छोड़। अब देखो इसमें कहीं यहोवा का नाम आया क्या? इसमें कहीं यहोवा का नाम आया क्या? आया है? आया है क्या? है क्या बोले? तू मुझे छोड़ है परमेश्वर है यहोवा। यहोवा शब्द ही प्रॉब्लम है, परमेश्वर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहोवा लिखने में वे लोग डरते थे, यहोवा लिखने में डरते थे। हिंदी का शब्द लें तो भी वो लिख सकता है, या नहीं? निश्चित तौर पर यूहन्ना वहां था नहीं है, ये पुस्तक लिखने वाला यूहन्ना वान था नहीं है क्या? हेलो, यीशु मसीह के 12 चेले उनके साथ है, यीशु मसीह के साथ ये यूहन्ना भी था। यदि यीशु जो लिखा है, यदि वो बातें इस पुस्तक में लिखना था, उसने क्या लिखा है, तो निश्चित तौर पर वो लिखता वहां। यूहन्ना वो बात नहीं लिखा यीशु क्या लिख रहा था, इसलिए हमको ज़्यादा वो क्या लिखा है करके सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारा समय भी जा रहा है। या तो झुक कर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहाँ बीच में खड़ी हो गई। दसवां पद, यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। ईश्वर ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। जब सब चले गए, ईश्वर मसीह सीधे होकर स्त्री से पूछता है, कोई तुमको दंड नहीं दिया क्या? तब उसका उत्तर देखना, उसका उत्तर में सबसे पहले वो क्या कही, क्या कही? हे प्रभु किसी ने नहीं। हे प्रभु, ये व्यभिचारिणी स्त्री हे प्रभु जब कही है, वो यीशु को मसीहा के रूप में अंगीकार कर रही थी, जिसके कारण यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दे रहे। इसका मतलब जब उसने यीशु को हे प्रभु कही, उसने यीशु को मसीहा के रूप में अंगीकार किया, उसी वक्त यीशु ने उनके पाप को क्षमा किया है। और यीशु कह रहे हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर पाप मत करना। इसका मतलब अब तक का पाप तुम्हारा क्या हो चुका है? क्षमा हो चुका है, क्योंकि उसने यीशु को प्रभु करके संबोधित किया, उसने यीशु को मसीहा के रूप में, उनके उद्धारकर्ता के रूप में, उनके लिए उनके ऊपर प्रभुत्व करने वाला प्रभु के रूप में अंगीकार किया, जिसके कारण यीशु ने उनके पाप को क्षमा किया,
उसके बाद चेतावनी दिया, आगे पाप न कर। यीशु मसीह, और किसी को चेतावनी दिया क्या? हेलो, 38 वर्ष से बीमार वो व्यक्ति, उसको चंगा किया, उसके बाद मंदिर में मिला तो क्या बोला? फिर से पाप मत करना, क्योंकि वो पाप के कारण क्या हो गया था? वो बीमार हो गया था। ये स्त्री विभिचारिणी पाप किया है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझे दंड नहीं देता, इसका मतलब मैं तेरा सारा पाप को क्या कर लिया है? क्षमा कर लिया, आगे पाप मत करना। हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु पर जब हमने विश्वास किया, जब विश्वास करने से पहले हमने जितने भी अपराध किए गए हैं वो सारा अपराध उसने क्षमा कर दिया है। इसलिए वचन में लिखा है, उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन शुद्ध किए जाने के बाद उस शुद्धता को, उस पवित्रता को बनाए रखना हमारा काम है। आगे पाप मत कर। यीशु मसीह वहां एक पुरुष 38 वर्ष से बीमार होकर चंगा हो गया, उससे कह रहे पाप नहीं करना। यह एक स्त्री व्यभिचारिणी उनसे भी कह रहे आगे पाप मत करना। मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, हर कोई पाप से दूर रहना है। आगे पढ़िएगा 12 वापस से। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। मैंने कहा ये झोपड़ियों का पर्व है। ये झोपड़ियों का पर्व की विशेषता क्या है? दो महत्वपूर्ण काम है वहाँ। एक, इज़राइलियों को परमेश्वर रात को आग का खंभा दिया था, उसको स्मरण दिलाने के लिए क्या करते हैं, पूरा शहर में विशेष करके यरूशलेम मंदिर के आसपास में पूरा बड़े बड़े दीवट या मशाले लगाते हैं। दूसरा क्या है, सीलोहों कुंड से पानी लाकर कहाँ डालते हैं? वेदी पर। इसराइलियों के लिए परमेश्वर चट्टान खोद कर चट्टान से पानी जो दिया, उस बात को याद दिलाने के लिए, पानी जो है उसको याद दिलाने के लिए, याद दिलाते उस बात को, या उस जगह पर खड़े होकर ईश्वर ने कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। पवित्र आत्मा जो उनको मिलने वाले उसके बारे में यीशु ने कहा था। अब यीशु पर्व खत्म हुआ, अगले दिन यीशु इस बात को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पूरा शहर मशालों से दीवटों से भरा हुआ है। यीशु कहता है, जगत का ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह का दूसरा मैं हूँ जो शब्द, पहला कौन सा है? और से बोलिए, जीवन का रोटी मैं हूँ। दूसरा, जगत का ज्योति मोह, कितना मैं हूँ? सात। क्या क्या है? जीवन का रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, और सच्ची दाखलता मैं हूँ। उसमें से दूसरा
जो मैं हूँ शब्द जो कहा है, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। इससे पहले भी यीशु मसीह ज्योति है, ये बातें कई बार कहा, पहला अध्याय का आरंभ की बातों में भी कहा वो ज्योति था, ज्योति अंधकार में आया, अंधकार उनको क्या नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया। तीसरा अध्याय में भी निकुदमस को इस बातों को समझाते वक्त ज्योति और अंधकार के बीच बारे में भी कहा गया था। यहाँ यीशु स्वयं कहा मैं जगत का ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे पीछे कोई आए वह अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु स्वयं ज्योति है, ज्योति के पीछे चले तो अंधकार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, आगे एक ज्योति है हमारे पास हाथ में या कोई ज्योति है तो अंधकार हमारे पास नहीं आएगा। वैसा ही यीशु जो ज्योति है उसके पीछे यदि हम जाएं तो हमारे जीवन में कभी क्या नहीं रहेगा, अंधकार नहीं रहेगा। फरीसी ने उसे कहा तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है। यीशु जब यह बातें कहा, अपनी गवाही कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, फरीसी लोग कह रहे हैं तू अपनी गवाही स्वयं देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है, क्योंकि कोई अपने आप का गवाही दे तो कौन उसको मानेगा, कह रहे तेरी गवाही ठीक नहीं है। यीशु ने उसको उत्तर दिया भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। यीशु कह रहे हैं मैं अपने आप गवाही दें तो भी वो ठीक है, क्योंकि तुम नहीं जानते मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, तुम नहीं जानते। यीशु मसीह कहाँ से आया, पिता की ओर से, ऊपर से आया, स्वर्ग से आया, और जाएगा कहाँ, पिता की पास, स्वर्ग के हो, स्वर्ग स्वर्ग में वो जाएंगे। पर तो तुम नहीं जानते कि कहाँ से आता और या कहाँ को जाता हूँ। 15 तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूँ तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा है। कहता है तुम लोग शरीर के अनुसार न्याय करते हैं। जब फरीसी लोग यीशु मसीह का विरोध किया, यीशु कहते हैं तुम लोग शरीर के अनुसार न्याय करते हैं परंतु मैं किसी का न्याय करता ही नहीं, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है। मैं किसी का न्याय करता नहीं, यदि करें तो वो सच्चा है। क्यों सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा है। यदि मैं किसी का न्याय करूँ वो सच्चा है। क्यों सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं करता, फिर मैं और मेरा पिता कितने लोग हैं, दो लोग मिलकर करते हैं। यीशु मसीह जो बोला मैं जगत का ज्योति हूँ तो वे लोग तेरा गवाही सच्चा नहीं है बोल रहा, यीशु मसीह बोल रहा सच्चा है। क्यों, क्योंकि गवाही देता कौन, मैं देता हूँ, क्योंकि मेरा गवाही सच्चा है, और यदि किसी का न्याय करूँ तो वो न्याय भी सच्चा है, क्योंकि न्याय मैं अकेला नहीं करता, मैं भी हूँ और मेरा पिता भी है। दूसरा और दो बातों को क्या बोला, क्योंकि कह रहे आगे व्यवस्था की बात है, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय उसका 6 और 5 पदों में लिखा है यदि किसी विरोध में गवाही दे तो कम से कम दो गवाह होना चाहिए। किसी के विरोध में न्याय करें, किसी का अन्याय करते वक्त एक ही व्यक्ति के कहने पर उसके ऊपर न्याय नहीं चला सकता, कम से कम गवाह कितना चाहिए, दो चाहिए। हरीश मसीह कह रहे हैं मैं न्याय करता हूँ, मैं अकेला न्याय करता नहीं करता, मेरे साथ कौन है, पिता है। इसका मतलब गवाह कितने लोग हैं, दो लोग हैं, कौन, स्वयं मैं और मेरा पिता। यद्यपि इससे पहले यीशु ने उनके बारे में गवाही देने के कौन कौन देता है ये बता दिया, नहीं बताया। हेलो, यीशु मसीह के बारे में गवाही देने वाले कौन कौन है, कितने लोग हैं,
चार क्या क्या है? पहला कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, दूसरा है यीशु के द्वारा की जाने वाली आश्चर्य कर्म, तीसरा हेलो है जोर से बोले पिता परमेश्वर। यहां जो पिता परमेश्वर के बारे में कह रहा है वही जिसके बारे में यीशु ऑलरेडी बोल चुका है, और चौथा चौथा पवित्र शास्त्र, यीशु मसीह का गवाही देने वाले चार लोग हैं, चार लोग हैं। यहां उनमें से एक व्यक्ति पिता परमेश्वर न्याय करने में इनके साथ है। क्यों बोला? तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है न्याय करते वक्त कम से कम कितने लोगों का होना चाहिए? कितने लोगों का? दो लोगों का होना चाहिए। कहता है मैं हूं और मेरा पिता है, हम दोनों मिलकर करते हैं जिसके कारण हमारी गवाही सच्ची है। 19वां पद, उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह से पूछा तेरा पिता कौन है? बोला यीशु ने बोला मैं हूँ और मेरा पिता है। तो बोला तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने बोला तुम लोग मुझको भी नहीं जानते जिसके कारण मेरा पिता को भी नहीं जानते, यदि मुझे जानते तो इसका किसको भी जानेगा। अर्थात पिता को जानने का तरीका कौन सा है? पुत्र को जाने। तुम लोग मुझे नहीं जानते जिसके कारण मेरे पिता को भी नहीं जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने भंडार घर में कही है और किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। परमेश्वर के मंदिर का भंडार घर नाम जो जगह है वहाँ खड़े होकर यीशु मसीह भाषण दिया था। यीशु मसीह इतना बोलने के बावजूद है कोई उसको नहीं पकड़ा, क्योंकि यीशु बोला क्या है? मैं जगत का ज्योति हूँ, जगत का ज्योति हूँ। इसराइल के नज़र में ज्योति एक ही है, वो परमेश्वर है। जब यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूँ, यीशु अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कर दिया। इसका मतलब ये मारे जाने योग्य है, लेकिन यीशु को किसी ने नहीं किया। क्या नहीं किया? नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि उसका समय आया नहीं। 6 महीने के बाद समय आएगा। ये 6 महीने पहले की बात है, ये झोपड़ियों का पर्व का समय है। इस वक्त यीशु को वे लोग नहीं पकड़ा, इसलिए नहीं पकड़ा है कि उनका समय नहीं आया था। लेकिन हमारा समय आया खाना खाने का। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। पास्टर सुशील प्रार्थना में अगुवाई करें।